चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी और चिंता जताई कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता अपनी अवधि पूरी होने पर भी चुनाव नहीं करा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इससे चैम्बर के अस्तित्व को खतरा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार राकेश गुप्ता व्यापारियों के हित के विरुद्ध कई कदम उठा चुके हैं, जिससे व्यापारियों में काफी रोष है। फिर 2017 में इलेक्शन हुआ, इन्होंने जीता, तो फिर इस दफे अप्रैल 2019 में इलेक्शन होना, लेकिन इन्होंने कोई मीटिंग की, उस मीटिंग का हवाला दे के ये कहा गया कि हमारी जो टीम है वो कंटिन्यू करेगी फॉर अनदर 2 ईयर्स। इस बात को लेके जो प्रोमिनेंट लोग थे हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उन्होंने इस बात को एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि हमारे चैम्बर के इतिहास में इस तरह की बात पहले कभी नहीं हुई है कि आप अपनी बात या अपने टेन्योर को एक्सटेंड करो। कारण उसका ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े क्लियरली ये लिखा हुआ है कि हर 2 साल के बाद अप्रैल महीने में चैम्बर का इलेक्शन होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन प्रोसेस का एक तरीका कार दिया गया है कि इस तरीके से वो इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन बनता है, बाकायदा उसके नोटिस निकलते हैं, बाकायदा उसके लिए कैंडिडेट अपने नाम फाइल करते हैं। जैसे भी कोई इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस इलेक्शन का यहाँ पे फॉलो किया जाता है। अब हम ये सोचते हैं कि कोई आदमी ये समझता है कि मैं दोबारा बनना चाहता हूँ, तो अगर फ़र्ज करो हमारे मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, उनको अप्रैल महीने में इलेक्शन की प्रोसेस को शुरू करना चाहिए था, और उसमें नाम इनवाइट करने चाहिए थे कि कोई आदमी जो प्रेसिडेंट बनता है वो अपना नाम फाइल करे, बाकी ऑफिस बियरर हैं उसके लिए भी नाम फाइल हो। लेकिन इन्होंने वो प्रोसेस को ना फॉलो करते हुए अपने आप को, अपनी टीम को 2 साल के लिए डिक्लेयर कर दिया था। हमने आज वहाँ जाकर ये बात उनसे कहनी थी कि आप जो बात की है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये इलीगल, आपने अपने आप को, अपनी टीम को जो 2 साल के लिए कंटिन्यू किया है वो जिस ढंग से किया है वो इंटायर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, और हमारी ये आपसे एडवाइस, हमारी तमाम मेंबर्स की आपको ये एक सलाह है, एक हम आपको सलाह देना चाहते हैं कि आप चैम्बर का इलेक्शन अनाउंस करो, ताकि चैम्बर की इलेक्शन एक तरीके से हो और जो डिफरेंट ऑफिस बियरर हैं वो उसमें शामिल हो जाओ, उसमें बने, और अगर आप भी इंटरेस्टेड हो कि आप दोबारा प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आप भी इलेक्शन को कंटेस्ट करिए, यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री वो कभी भी ओवर राइड नहीं होने देंगे। हम नहीं चाहते कि ये जो प्रोसेस वहाँ पे लिखा हुआ है उसको कोई बाईपास करे, क्योंकि ये तंजीम, हम चले जाएंगे ज़िंदगी से लेकिन ये तंजीम अपनी जगह रहेगी, और आने वाली जनरेशन इस बात की इज्जत मान करेगी कि हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो सीनियर थे उन्होंने इस चैम्बर की इलेक्शन को या इलेक्शन की प्रक्रिया को या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान को, उनके जो नियम हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको हमेशा एडहर किया। आज की थीम क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तरीकाकार को एडहर नहीं कर रही है, उसके प्रति हम सब लोग अपनी नाराज़गी भी व्यक्त करना चाहते थे, और मौजूदा टीम से ये सलाह देना चाहते थे कि आप जल्द बा जल्द आप इलेक्शन अनाउंस करो, ताकि हमारी जो ग्रीवेंस है वो एड्रेस भी हो जाए और वो रिड्रेस भी हो जाए। और इसके साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज वहाँ जो जाने का हमारा प्रोग्राम था उसको हमने रद्द किया, कोई इस तरह की कोई बात किसी ने मैसेज में दे दी जो आपके पास भी पहुँची होगी, लेकिन हमारी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई वहाँ जाके किसी किस्म का कोई ऐसा माहौल पैदा करें, ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं है। लेकिन पुलिस भी यहाँ पे आई और मौके पे भी पुलिस पहुँची है कोई उस मैसेज की वजह से, तो इसके लिए हम आप सब लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारी इस बात को पूरी कम्युनिटी तक, व्यापारी कम्युनिटी तक पहुँचवाया जाए कि हम चैम्बर के जो सदस्य हैं हम इसमें पीसफुली और हम सब लोग इकट्ठे रहना चाहते हैं। चैम्बर में ऐसा है कि ये बात भी कहना मुनासिब समझूंगा कि चैम्बर में कोई दल नहीं है, पर ये
सब तमाम लोगों की या पूरी चैम्बर की बिहाफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक भाईचारे की जमात है, हम सब लोग भाई हैं, हम सब लोग एक दूसरे की इज्जत मान करते हैं, और अगर कोई ऐसी बात हो जैसी कि इस दफ़े हुई है इलेक्शन में देरी की गई या इलेक्शन के प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, हम इसको एक फ्रेंडली तरीके से हम उनके सामने रखना चाहते थे, और ताकि ये इलेक्शन जो है हो सके। ये हमारी, आप कोई सवाल पूछना चाहें तो यू आर वेलकम।